ऑल्टरनेटिंग करंट में दो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक फंक्शन साइन का फंक्शन है करंट, और साइन का फंक्शन है आई एज अ साइन फंक्शन ऑफ टी, आई वर्सेस टी का ग्राफ है। और इसमें साइन का फंक्शन क्योंकि ये यहाँ से जीरो से शुरू हो रहा है ग्राफ, तो ये यहाँ से शुरू होगा और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। उसी तरह से दूसरी तरफ भी आई और टी का ग्राफ है, जिसमें ये कॉस का फंक्शन है, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, कॉस का फंक्शन है आई मैक्सिमम आई मिनिमम, क्योंकि जीरो डिग्री पे जो वैल्यू होती है कॉस जीरो की वो वन होती है, इसलिए यहाँ पे ये मैक्सिमम में है। और मिनिमम में जो कि आप यहाँ पे टी बाय टू पे देखते हो, तो उसी तरह से ये वाला भी, इसको हमने दिखाया है कि हाफ टाइम पीरियड के लिए, वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए और वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, दोनों का फंक्शन साइन और कॉस का जो फंक्शन है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये वाला है। क्वेश्चन है ये कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 6 एम्पियर, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट पावर, एसी करंट पावर साइकिल इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू जो होती है एसी करंट की वो जीरो होती है, आपने पढ़ा भी होगा, फॉर वन कंप्लीट साइकिल वैल्यू ऑफ करंट इज जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन करके आपने जब निकाला था, याद होगा अगर आपको, इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू निकाली थी तो उसका वैल्यू जीरो आया करता था। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज जनरेटर गिविंग पीक वोल्टेज एज 300 वोल्ट, द जनरेटर इक्वेशन फॉर दिस वोल्टेज इज, और ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो 50 हर्ट्ज की है, राइट। 50 हर्ट्ज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू या एफ लिख सकते हो, न्यू या एफ दोनों से ही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहां तक सवाल है पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है वी नॉट से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ जनरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, और ओमेगा जो होता है वो भी आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू टी या 2 पाई एफ टी, तो यहां पे मैं 2 पाई न्यू टी मैं रख रहा हूं, अभी सीधा 2 पाई न्यू टी नहीं रखेंगे, वी नॉट भी रखना पड़ेगा आपको, तो दिस वन इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये रख लिया हमने, तो V इक्वल टू आपने ये रख लिया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, V नॉट कितना है तो 300 का, तो एक बात तो क्लियर हो गया, जो वैल्यू आएगी वो 300 वाली आएगी, साइन 2 और पाई, तो 2 पाई तो पाई भी रख लो, इंटू न्यू कितने का है तो 50 का है, तो इंटू 50 कर लो, इंटू टी, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, तो ये देखो 100 ये है, 100 पाई भी है, टी भी है और 300 भी है, तो 300 साइन और ये हो जाएगा आपका दोनों मिला के 100 पाई टी, तो सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे होना है इसका आपका, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू सिर्फ होता है 2 पाई न्यू, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू अगर हमने पढ़ा होगा तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है, और 1 बाय टी मतलब 2 पाई इंटू 1 बाय टी, अगर लिखे 1 बाय टी कंप्लीट साइकिल के लिए लेते हैं, स्मॉल टी जो होता है इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, तो ये 1 बाय टी जो होता है ये न्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 पाई इंटू न्यू इस तरह से लिखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज, ऑप्शन भी दिया हुआ है 100 है, 0 है, 50 है, इन्फिनिटी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखना है आपको। देखिए जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का, एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो होता है वो जीरो होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल जो होता है वो निगेटिव होता है ना, जो हाफ साइकिल की फिजिकल क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव में होती है और हाफ वाली क्या होती है वो निगेटिव में होती है, जैसे आपने देखा भी होगा इस तरह से बनाते हो आप, तो ये हाफ पॉजिटिव में होता है और जितना पॉजिटिव में है यहाँ पे उतना ही हाफ वाला पोर्शन जो है वो निगेटिव में होता है, तो इसलिए ओवरऑल जो है वो क्या करता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और जीरो रिजल्ट दे देता है।
नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे ये बता रहा है, द 220 वोल्ट एसी लाइन वोल्टेज दैट वी रिसीव इन आर होम्स इज, आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, नन ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल 100% सही है, इसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही होती है, बिल्कुल सही आपने बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देख लेते हैं, और अगले पेपर में अगले में इसका ऑप्शन भी है। द यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करेंट इन द सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल टू 50 sin 314 t, द पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट आर, ये आई नॉट इक्वल टू 25, पीक वैल्यू तो 50 है, इतना तो पक्का है। हाँ ये तो आपने सही बोला कि मतलब इसको आप आई नॉट कंसिडर कर रहे हो तो ये 50 है। अब सवाल होता है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जैसे 100 हर्ट्ज का है तो दूसरे में देखते हैं हम लोग कितना दिया हुआ है। आप कह रहे हो दोनों 50 हैं, मतलब ये वाला भी 50 तो है ही, और इसके लिए भी आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी जो पूछा जा रहा है इसके लिए भी आपका कहना है 50 है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं दूसरे वाला कौन सा सही है। तो दूसरा ऑप्शन बी जो है आई नॉट 50 और एफ जो है 50 हर्ट्ज, ये सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द ऑल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी देन द आरएमएस गिवन इज बाय गिवन इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू होल बाय रूट टू, आई वन प्लस आई टू होल बाय, ये मॉड में है, होल बाय रूट टू और अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर होल बाय टू, अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर होल बाय रूट टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगले पेज में सर एक सेकंड रुक जाइए सर, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिएगा। आई इक्वल टू हमारे पास है आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, तो जब आई स्क्वायर की बात आप करते हो तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों पे ही स्क्वायरिंग हो जाएगी, आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी स्क्वायर ऑफ दिस वन। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, दो सेकंड रुक जाइए तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे अगर स्प्लिट किया जाए तो आई वन स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी देन प्लस टू आई वन आई टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। इतना तो पहले मैंने कर दिया, इसमें से आप हाफ अगर कॉमन ले लो तो देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कैसे इसको आप लिख सकते हो, आई वन का स्क्वायर इंटू, इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, आई टू का स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी फिर प्लस इसमें भी, चूंकि आपने टू कॉमन ले लिया है तो टू से मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4i1 i2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ट्रिगोमेट्री का पूरा इस्तेमाल करना है यहाँ पे हाफ। अब मैंने आई वन स्क्वायर को बाहर कर दिया है अभी और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं, तो ये 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2 ओमेगा टी प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अच्छे से पता होगा, और फिर उसी तरह से i2 स्क्वायर, इसमें भी आप ब्रैकेट में क्या लोगे तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, साइन के टर्म में फॉर्मूला इस तरह से होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी देन प्लस 2 आई वन आई टू
साइन, इसको आप 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा वाला, तो साइन 2 ओमेगा टी में लिख सकते हो ब्रैकेट में। आप फॉर्मूले तो पे देख क्या लिखोगे, आप एवरेज ऑफ आई स्क्वायर को देखो, यहाँ पे आई स्क्वायर का मीन, आई स्क्वायर जो है इसका क्या करना पड़ेगा, मीन दिस वन इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, और पूरे साइकिल के लिए करना है तो 0 से टी तक के लिए करना है आपको, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना होगा पूरे साइकिल के लिए 0 से टी के लिए, इस तरह से शुरू कर दिया है तो देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1/t जो इसका इंटीग्रेशन है डी टी का नीचे वाले का, इसका 1/t लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन होल का 0 से टी तक करने जा रहे हैं, और हाफ हाफ, अब चूंकि यहां पे जो है आई स्क्वायर का मीन, ये आई स्क्वायर की वैल्यू, ये यहां से यहां तक जो पूरी वैल्यू है उसको आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, दैट मीन्स अब आप लेने वाले हो ब्रैकेट में I1 का स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस I2 स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 I1 I2 और यहां पे आप देखोगे तो इसके बाद तो जो टर्म्स है वो भी यहां पे लिखा जा सकता है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी का, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको नहीं करूंगा इंटीग्रेशन, कोई फायदा नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो इसलिए यहाँ इस वाले टर्म को मैं ले ही नहीं रहा, इसकी पूरी वैल्यू 0 आनी है। लोगे आप ये 2 आपका जब बाहर आ जाएगा तो 1/2t एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ, अभी I1 स्क्वायर को पहले मैं बाहर करता हूँ, I1 स्क्वायर और अब इसका इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी का करोगे आप तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा और इसमें 1 है तो यहां पे प्लस आप t ले सकते हो, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया इसके लिए और लिमिट अब आप 0 से टी का यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसी तरह से I2 स्क्वायर को आप बाहर ले लो और यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह पे टी आप अप्लाई करो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे टी से डी टी होता है यहाँ पे, तो ये डी टी होगा तो टी साथ में रह जाएगा और साइन टी माइनस साइन कॉस 2 ओमेगा टी है तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और इसका भी 0 से टी तक का इंटीग्रेशन यहां तक कर सकते हो आप। इसको आप लिखो 1/2t को तो मैंने पहले से ही बाहर कर रखा है, इसको बाहर ही रखो और ये I1 स्क्वायर इंटू, अब लिमिट की अगर बात कर लें तो यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करनी होगी, साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन में 2 ओमेगा प्लस टी, यहां से हमने फिर से प्लस अप्लाई किया बीच में प्लस, तो ये I2 स्क्वायर और ये हो जाएगा टी माइनस, इस अगले स्टेप में इसके नीचे कर देता हूं मैं साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट रख रहे हो तो कैपिटल टी अब अप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा प्लस साइन
टू ओमेगा इंटू जीरो अपॉन में टू ओमेगा, ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। और यहां तक आप करोगे, इसके बाद देखो पहले कर लो, जो हमने यहां पे छोड़ रखा था उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हालांकि जो मैंने यहां पे बोला था कि इसका यहां पे जो वैल्यू आना है जीरो आना है, तो इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके देखेंगे पहले हम कि 2i1 i2 cos sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन। तो यहां तक तो हमने अभी इस दो पार्ट का किया था, इस दो पार्ट कहने का मतलब मैंने हमने किया एक तो i1 स्क्वायर cos 2 ओमेगा t का प्लस 1 का किया और i2 स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा t का किया। अब इस वाले पार्ट का भी इंटीग्रेशन इसके साथ साथ करते चले जाते हैं। देखिए यहां पे करते हैं तो वहां पे हमारे पास लिखा हुआ था 2i1 i2, तो वहां पे फिर से यहां पे लिखेंगे माइनस 2i1 i2, ये हमने लिख लिया एक बड़े वाले ब्रैकेट में लेके, और cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t अपर लिमिट डाला चूंकि sin 2 ओमेगा t था वहां पे अपॉन 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट cos 2 ओमेगा इंटू जीरो अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया, यहां तक कर दिया। अब इसमें आप फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी का पार्ट को, तो यहां पे आप लिखने जा रहे हो 1/2t i1 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, देखो 2 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा की जगह पे अगर आप 2π/t रखोगे तो ये 2 × 2 4π हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो 4π, और t कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पे आप रखोगे तो 2 × ओमेगा की जगह पे 2π/t, ठीक है, इंटू ये कैपिटल वाला टी भी है, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो रहा है, तो साइन 4π ऊपर बच रहा है, तो इस तरह से यहां पे लिख सकते हो आप डायरेक्ट साइन 4π माइनस ये साइन 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो साइन 0 और अपॉन में एलसीएम में तो दोनों का ही 2 ओमेगा है, तो अपॉन 2 ओमेगा प्लस टी, तो एक यहाँ पे टी बच रहा है आपका, ये देखो ये वाला एलसीएम में ये वाला दोनों 2 ओमेगा है और प्लस टी बच रहा है, तो टी एक तरफ इसका काम आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्लस अब देखते हैं बीच में ये वाला प्लस i2 स्क्वायर टी माइनस ये हो जाएगा आपका साइन, ये भी हो जाएगा 4 ओमेगा साइन 4 ओमेगा 4π, ओमेगा नहीं होगा पाई होगा, साइन 4π माइनस 0 अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस अब इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये वाला टर्म तो सारा 0 हो गया, माइनस 2i1 i2 cos 4π, इसके लिए हो जाएगा 4π cos 4π by 2 ओमेगा, माइनस ये भी cos का ही टर्म है, तो ये cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, अभी फिलहाल मैं रख देता हूं यहां पे cos 0 by 2 ओमेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये पूरा टर्म यहां पे ऐसा लिखा जाएगा, देखते हो आप दिस वन इज इक्वल टू 1/2t, और i1 स्क्वायर तो है ही, तो i1 स्क्वायर ये सारी वैल्यू जो आप देख रहे हो यहां से साइन 4π, तो साइन 0 साइन 2π साइन 4π ये सब 0 हो जाता है और साइन 0 भी 0 हो जाता है, तो समथिंग बाय 0 तो ओवरऑल 0, तो सिर्फ बचेगा आपके पास t, ये आपके पास यहां पे रह जाएगा सिर्फ t, तो i1 स्क्वायर इंटू t प्लस, अब उसी तरह से i2 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में इसका मतलब आपके पास बच रहा है i2 का स्क्वायर इंटू
और एक टी बच रहा है अंदर में, तो ये इंटू टी, तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2t. तो अब यहां पे आप इसको लिख सकते हो i1 square plus i2 square, और t को बाहर कर दोगे तो i1 square plus i2 square, और बाहर में आप t कर दो, t और t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधा. तो अब आप यहां पे डायरेक्ट मीन की वैल्यू को लिख सकते हो यहां पे, कि आपके पास जो मीन की वैल्यू आ रही है, मतलब आई मीन जो आ रहा है, दिस वन इज इक्वल टू हो रहा है i1 square plus i2 square upon 2, ये वैल्यू आ रहा है, इसी को आप बोलते हो IRMS, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अंडर रूट इस तरह से. रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, तो रूट हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया है ना, और मीन मतलब इसके ऊपर एक बार लगा दिया, तो इसको रूट मीन स्क्वायर RMS भी बोला जाता है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग जब आप इस तरफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका i1 square plus i2 square upon 2, इस तरह की वैल्यू आ जाती है. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट शोन इन फिगर, बस इतना सा दिखाया गया है, और इसमें से मुझे RMS वैल्यू निकालनी होगी करंट की. कैसे निकाला जाएगा? IRMS का जो फॉर्मूला अभी हमने इस्तेमाल में लाया था IRMS, तो रूट मीन स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे मान लो कि इस समय जब समय ये पोर्शन था या इसका ये वाला, तो इस समय ये I1 था, उसके बाद ये वाला I2 रहा, और ये रहा आपका I3. तो I1 की जो वैल्यू इस बीच में रही है, ये रही है आपकी 2 एम्पियर की, ये नीचे जो रही तो ये रही आपकी -2 की, और ये जब गया ऊपर फिर जब गया तो इसकी वैल्यू हो गई फिर से आपकी +2 की. तो IRMS का जो फॉर्मूला है, दिस वन इज रूट अंडर i1 square plus i2 square plus i3 square upon 3, यहां पे मीन की बात है तो 3 होता है, 3 हो गए तो 3 लेंगे, अगर 2 करंट होता है तो यहां पे 2 वैल्यू लेते हैं, अगर 4 या 5 होगा तो 4 5 का. तो रूट ये हुआ रूट, और ये रहा मीन का स्क्वायर, मीन मतलब 3 टर्म लिया तो अपॉन 3 कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया. तो I1 जो है वो 2 है, तो आप 2 का स्क्वायर कर लो, I2 -2 है, -2 का स्क्वायर कर लो, फिर I3 आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो अपॉन में 3, और सबका अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ऊपर हो गया आपका 12 अपॉन 3 अंडर रूट, तो 3 4 12, और रूट में 4 आ गया, दैट मींस वो 2 के इक्वल हो गया, तो 2 एम्पियर का करंट बिल्कुल सही यहाँ पे रिजल्ट आएगा. 6 का आंसर आपका, तो ये सी वाला मैं टिक कर दूं, सी वाला आंसर होगा अंडर रूट i1 square plus i2 square by 2. क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय i = 20 sin 100 pi t plus 0.05 pi, इतने एम्पियर का करंट है, द RMS वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट रिस्पेक्टिवली आर. अब यहां पे आपको RMS वैल्यू भी बतानी है और फ्रीक्वेंसी भी बतानी है करंट, जो करंट यहां पे जा रही है उससे रिस्पेक्टिवली. IRMS का फॉर्मूला होता है IRMS = I0/√2. तो I नॉट कितना है आपका? 20 है, तो 20 पर तो ये 10√2 आ जाएगा, ये 10√2 आ गया, तो 10√2 देखो कौन है, दो ही ऑप्शन है ना 10√2 के, है ना. अब बात होगी ओमेगा की, क्योंकि I = I0, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है I = I0 sin ωt का होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देखो कि आई नॉट जो है वो 20 है, 20 दिया हुआ है, ठीक है. ओमेगा जो दी हुई है ओमेगा टी के साथ रिलेट होता है, तो ओमेगा टी के साथ ये टी है, तो इसका मतलब बचा हुआ रेस्ट पार्ट ओमेगा है, तो ओमेगा आपका कितना है, इसका मतलब यहाँ पे आपके ऊपर देखा जाए 100 पाई का है, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π ν, ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हो 2π ν से, दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 100π, पाई और पाई कैंसिल, ν इक्वल टू हो गया 100π 2, मतलब 50,
तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 50 हर्ट्ज की, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये सही होगा। पूछा गया है सिर्फ द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शोन इन द फिगर, और ये फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास चार है ही। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राफ में आप देखो V इक्वल टू क्या है, V नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है V इक्वल टू V नॉट आपने दिखा रखा है। किसके लिए? तो फॉर जो T है, T लाइज कर रहा है कहां से कहां तक, तो ये लाइज कर रहा है क्लोज इंटरवल में 0 से T बाय 2 के लिए। तो दैट मीन्स देखो आप, ये 0 है और 0 से T बाय 2 तक आप जब वैल्यू ले रहे हो तो इस बीच में ये जो है V नॉट आपको वैल्यू दे रहा है, राइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे V इक्वल टू 0 दे रहा है इस बीच में, मतलब दोनों से यहां तक T अब कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, T लाइज कर रहा है अब आपका T बाय 2 से T तक, अगर इस बीच में ये लाइज कर रहा है तो वैसे केस में जो V नॉट की वैल्यू है वो 0 है। तो ये ग्राफ से ही हमें पता लग रहा है कि ये वैल्यू इस तरह की है कुछ। तो जब बात VRMS की हम करेंगे तो VRMS इक्वल टू आपके पास होना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T फुल साइकिल के लिए, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी टी, जैसे आई स्क्वायर डी टी लेते थे हम लोग, वी स्क्वायर डी टी अपॉन में मीन निकालते थे हम लोग, उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करोगे आप सबसे पहले, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टी इसमें भी आपको करना पड़ेगा। ये मीन वी आर एम एस का जो फॉर्मूला है ये हमने लगा दिया, इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे वी नॉट स्क्वायर, दो स्टेप में जाएगा ये, एक तो V नॉट स्क्वायर डी टी, एक इंटीग्रेशन आपका ये वाला होगा, ठीक है, प्लस दूसरा स्टेप में आपके पास ये कहां से कहां तक के लिए जा रहा है, तो 0 से T तक के लिए जा रहा है, 0 से T आपको ये जो जा रहा है यहां पे, आप दोनों 0 से T बाय 2 के लिए जा रहा है। तो पहला इंटीग्रेशन आप 0 से T बाय 2 का करोगे, ध्यान रखना है इस चीज का, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक होता है, इसलिए यहाँ पे तोड़ना पड़ रहा है हमें दो पार्ट में। नहीं तो अगर हमने पहले करंट वाला जो सेम कंडीशन रहा था वो हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वी की जो वैल्यू है अलग अलग होने के कारण हमने अलग अलग कंडीशंस ली हैं। उसके बाद टी बाय टू से हमें कहाँ तक जाना है, टी तक जाना है, और इस केस में जो वी की वैल्यू है वो 0 रही है हमारी, तो 0 इंटू डी टी, ठीक है। और ये सब क्या है, सब रूट में है, रूट में मतलब 1/2 कर दिया हमने, ये सब रूट में है, इसको रूट में ले लिया, और अपॉन में ये पूरे का पूरा अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो कि 0 से टी तक के लिए होना है, इस तरह से दिखा दिया हमने। अब यहां पे अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय टी, पहला स्टेप्स यहां से शुरू करना है आपको। तो ये देखो दिस वन इज इक्वल टू, आप यहां पे लिख सकते हो, इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, V नॉट स्क्वायर बाय टी, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां पे इस टी के लिए करना है, ये टी का करते हैं, डी टी का तो ये टी आ गया, डी टी ये डी टी का नीचे वाले डी टी का टी आया, ऊपर वाले डी टी का आप करोगे तो यहां पे जो आपके पास इसके साथ जो वैल्यू आएगी आपको अच्छे से पता है कि दिस वन ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं स्मॉल टी, और इसकी लिमिट 0 से टी बाय 2 के लिए, इस तरह से मैंने दिखा दिया, और सब पे पावर हो गया आपका 1/2। सारा काम मैंने एक साथ ही यहां पे कर दिया है, स्टेप वाइज आप करना चाहो करके देख सकते हो। सेम वैल्यू यहां पे मिलेगी आपको वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टी, और इसकी में जब लिमिट रखोगे तो ये टी बाय 2 आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट आएगा, लोअर लिमिट आपकी 0 है, और इस पावर इस सब पे पावर 1/2। फाइनली ये होगा वी नॉट स्क्वायर बाय टी, ठीक है, और टी भी अब कैंसिल होने आना है ऊपर में, तो इसको मैं नहीं ले रहा वी नॉट स्क्वायर डायरेक्ट, मैं वी नॉट स्क्वायर बाय 2 लिख रहा हूँ, और इस पे पावर हो जाएगा 1/2। तो अल्टीमेटली ये आपके पास आ जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाय √2। तो
ऐसे भी फार्मूला आपने वीआरएमएस का पढ़ा होगा, जैसे आईआरएमएस का पढ़ा था आई नॉट बाय रूट टू, तो यहाँ पे वीआरएमएस का कितना आएगा, वी नॉट बाय रूट टू। तो स्टेप्स इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं वीआरएमएस के लिए। तो यहाँ पे वी नॉट बाय रूट टू, ये सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स रिस्पेक्टिवली आर, ऑप्शन दिए हुए हैं चार, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आपने बोला, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से आर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी होगा, और V जो है हमारा वोल्टेज है जो कि 220 का है, तो 220 का स्क्वायर करोगे अपॉन पावर जो दिया हुआ है वो 100 वाट का है, तो अपॉन 100 करोगे तो ये हो जाएगा 484 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। उसके बाद रह गई बात वी नॉट की, है ना, तो वी नॉट इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट इक्वल टू 220 रूट टू हो जाएगा, क्योंकि वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू। तो वी नॉट इक्वल टू VRMS into root 2 हो जाएगा, VRMS आपके पास कितना दिया हुआ है 220 का है, तो 220 root 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास root 2 की जो वैल्यू VRMS में ये आप लगाओगे तो ये आपको लगभग 311 वोल्ट ही देगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बल्ब रेजिस्टेंस 280 ओम्स इज सप्लाइड विद 220 वोल्ट एसी सप्लाई, व्हाट इज द पीक करंट, यहाँ पे हमें पीक करंट बताना है ऑप्शंस के देख के। ये रहा नियरली 2 एम्पियर, नियरली 1.4 एम्पियर और नियरली 2.8 एम्पियर। ने बताया इसका ऑप्शन जो है नियरली 1 के बिल्कुल इक्वल है। और जहाँ तक सवाल है, जैसे कि आपने इसमें वी नॉट निकाला होगा, वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट टू होता है, तो वी आर एम एस जो है यहाँ पे आप देखो कितनी दी हुई है वैल्यू वी आर एम एस की, तो 220 है ना, तो यहाँ पे अगर आप 220 लिख देते हो तो 220 और इंटू रूट टू हो जाएगा, ऐसा कर दिया होगा आपने। और फिर यहां से आपने क्या होगा कि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर, है ना, तो आर की जो वैल्यू है वो 280 की है, तो 280 यहाँ पे आपने रखा होगा, तो आप जो अप्रोक्स बता रहे हो वो 1 के अप्रोक्स बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। यहाँ पे आपको एक चीज और, यहाँ पे 200 वोल्ट यहाँ पे लेके काम करें तो एग्जैक्ट शायद आ जाए, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर 200 वोल्ट कर दें तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 200 रूट टू अपॉन इतना कर दें तो अप्रोक्स ये 1 एम्पियर के लगभग आ ही जाएगा, ठीक है, वैसे भी आएगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज एसी कैन नॉट पास थ्रू डीसी एमीटर, एसी चेंजेस डायरेक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, डीसी एमीटर विल गेट डैमेज्ड। नहीं है, इनफैक्ट ये इशू है ना, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल जो होता है ये जीरो होता है, ऐसे केस में एसी को आप मेजर नहीं कर सकते डीसी के थ्रू, बाय डीसी ये मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो गया तो मेजर कैसे होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय, अब ये देखिए, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। ये दो इक्वेशन वहां पे करंट और वोल्टेज की आपके पास दी जाएगी, इस बेसिस पे आपको जज करना है ये चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, तो लीड्स करेगा 90 डिग्री से, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पाई बाय 4 एक तरफ है, दूसरी तरफ माइनस पाई बाय 4 है, तो इस दोनों के बीच की एंगल जो बन रही होगी 90 डिग्री की बन रही होगी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट बताइए, जहां तक एसी सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल का बात है, तो इंस्टेंटेनियस में आई इक्वल टू वी बाय आर भी आप अप्लाई करते हो, वी नॉट बाय आर भी अप्लाई करते हो, तो इंस्टेंटेनियस तो है ही, आरएमएस भी है और पीक भी है, क्योंकि हर किसी वैल्यू को यहाँ पे यूज करके आता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हर किसी वैल्यू को अगर आप इस्तेमाल में लाओगे तो सारा वैल्यू करंट का यूज होगा और वोल्टेज का सारा वैल्यू यूज होगा यहाँ पे, तो
और हर किसी पे ओम्स लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 220 वोल्ट एंड 50 वॉट इज कनेक्टेड टू एसी मेंस, द करंट ड्रॉन बाय इट, कितना करंट ड्रॉन होगा इस ऑप्शन में अकॉर्डिंग। 550 की वैल्यू है, 550 वॉट। अब कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन से आपको टैली कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जहाँ पे कि आपने I इक्वल टू पी बाई वी का इस्तेमाल किया होगा, है ना, तो बिल्कुल 2.5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, ऑप्शन दो यहाँ पे है, दूसरे पेज में है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल सही, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 220√2 sin 100 πt, बिल्कुल सही है। और इसको आपने जो निकाला, जैसे यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू, सबसे पहले √2 vrms निकाला होगा, मतलब 220√2 आ गया आपका, है ना। और उसके बाद इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होती है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पे 2π(ν)t अगर रख दिया तो काम तुरंत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट की जगह पे 220√2 sin 2π(50, फ्रीक्वेंसी 50 है, इंटू टी, 50 × t 2 हो गया 100, तो 100π(t) यहाँ पे मिल गया और 220√2 यहाँ पे मिल गया। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो आप यहाँ पे। 120 एसी वोल्टेज इज सप्लाइड टू 10 ओम रेजिस्टेंस, द पीक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज, ये आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें बी पार्ट होगा 120√2, बिल्कुल सही है। ये चार ग्राफ बने हुए हैं जिसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट और ओमेगा के बीच, आई नॉट और ओमेगा, तो दोनों के बीच का ग्राफ है, आई नॉट वर्सेस ओमेगा कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड आई विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा के साथ आई में किस में चेंजेस आ रहे हैं, इस सब ग्राफ में से आपको सिलेक्ट करना है और ऑप्शन बताने हैं। बिल्कुल ही सही डिसीजन कि इसमें ओमेगा का क्या काम है, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा है, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है यहाँ पे कि आई इक्वल टू, तो मैक्सिमम जब होता है तो आई नॉट देता है और साइन, इसके साथ साइन जो होता है 2π(ν)t इज गिव मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि आई नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से, राइट। तो अगर इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके हिसाब से आपका सही होगा जो कि इंडिपेंडेंट के लिए बताता है। द इक्वेशन ईएमएफ इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय ई इक्वल टू 60 sin 100π t, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन फॉर द ईएमएफ टू चेंज फ्रॉम +30 to -30 volt, ऑप्शन दिया हुआ है और ग्राफ दिया हुआ है, इसके हिसाब हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है तो आप सबसे पहले इक्वेशन पे फोकस करो, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से आप सारी वैल्यू आप ले लो, क्योंकि इक्वेशन आपकी लाइज कर रही है 30 to -30, तो इसका मतलब है कि जो ई की वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं ई की लिखूं, ई इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है 60 sin 100π t, तो मैं इक्वेशन सबसे पहले लिख रहा हूं 100π, और इसका पहला कंडीशन मैं ले रहा हूँ t1 का, ठीक है। अगर मैं t1 का कंडीशन ले रहा हूँ जिसमें e की जो वैल्यू यहाँ पे आपने ली हुई है, इस e की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इसको 30 लिख देता हूँ, पहले केस में मैं इसको 30 ले लेता हूँ, 30 और ये 60 रह गया। अब साइन की जो भी वैल्यू है ना वो कितनी मिलेगी यहाँ से वो देख लेते हैं, तो साइन 100π t1, अब ये 30 और ये 60 इसके डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स ये 1/2 रह गया हमारे लिए, 1/2 इक्वल टू साइन 100π t1 मिल रहा है आपको, ठीक है, पहला तो ये मिल गया। उसी तरह से दूसरे केस में अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले मैं यहाँ पे 100π t1 इक्वल टू क्या बोलूँ कि 100π t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आप कह सकते हो ये साइन इनवर्स 1/2, मतलब 5/6 की वैल्यू है ना, तो t1 इक्वल टू कितना हो गया, t1 इक्वल टू 5/600,
कहने का मतलब ये 1/600 मैं कह दूं, क्योंकि दोनों तरफ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1/600, ज्यादा आसान होगा। तो 1/T1 की वैल्यू 1/600 की आ गई, इतना सेकेंड। उसी तरह से आपको T2 निकालना पड़ेगा, तो T2 निकालने के लिए आप -300 ले लोगे इस बार, -30, क्योंकि T2 में हमारा क्या है -30 है, तो -30 इक्वल टू सेम यही काम करना है, तो 60 sin 100 pi T2 ले लिया आप, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड करोगे तो -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा, अगर प्रॉपर किया जाए तो ये हो जाएगा 100 pi T2, यहाँ पे लिख दूँ मैं 100 pi T2, ये कितने के इक्वल आएगा, तो ये 7 pi/6 के इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो T2 कितने के इक्वल आएगा, तो T2 आ जाएगा 7/6 के, 600 के इक्वल। तो T2 भी हमें मिल गया और T1 भी हमें मिल गया। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम कर लो, तो क्या करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, तो T2 - T1 करना है। T2 - T1 करोगे तो एक पहला वाला यहाँ पे T2 जो है 7/600, ये 7/600 आ रहा है, और T1 जो आ रहा है 1/600, तो दैट मीन्स 7 - 1 6/600 विच इज इक्वल टू 1/100, तो 1/100 का वैल्यू आ रहा है आपके पास फर्स्ट वाला। इस मतलब वेव के चलने के ड्यूरेशन में एक टाइम T1 का रहा होगा, दूसरा टाइम T2 का रहा होगा, इसी टाइम का हमें इंटरवल चाहिए। T1 और T2 का अगर हमने इंटरवल निकाल लिया तो हमें पता लग जाएगा कि भाई मिनिमम टाइम जो लगा होगा -30 से -30 पे जाने में, +30 अगर देखा जाए तो मान लो +30 ये रहा, ये +30 है, तो +30 से -30 पे जाने में टाइम कितना लगा ये पूछा जा रहा है। तो +30 ये -30 यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, तो पहले हमने +30 ले लिया, +30 पे टाइम निकाला हमने पाई बाय सिक्स के फॉर्म में, मैं पाई बाय 1/600 आ गया, इतने सेकेंड का, मतलब एक सेकेंड के 600वें भाग में ये +6 पे था और इस पे था +30 पे था, और एक सेकेंड 7/600 इतने समय में ये T2 टाइम पे आ गया, मतलब -30 वोल्ट पे था। तो अब हमने क्या किया, टाइम का डिफरेंस देख लिया, तो इस समय से 30 वोल्ट से -30 वोल्ट तक जाने में उसको टाइम लगा होगा एक सेकेंड का 100वां भाग, 1/100 सेकेंड। लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था आपसे।